देश में हुए लोकसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका के तौर पर उभरे नीतीश कुमार अब एक बार फिर सियासी खेला करने के मूड में हैं। दरअसल इस साल के अंत तक झारखंड में होने वाले चुनावों के लिए नीतीश कुमार ने अभी से ही अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली है और वे एक लंबी उड़ान भरने के मूड में हैं। जानकारी के अनुसार झारखंड विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी ने इसको लेकर प्लान भी तैयार कर लिया है। खुद नीतीश कुमार इस पूरे प्लान की निगरानी कर रहे हैं। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि जेडीयू की कोशिश इस बार लोकसभा की तरह ही झारखंड विधानसभा में भी किंग मेकर बनने की है। लेकिन इसी बीच सियासी हलकों में जबरदस्त चर्चा है कि राज्य के इन चुनावों में नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर अपने पुराने मित्र और पूर्व मंत्री सरयू राय के साथ जोड़ी बना सकते हैं। हालांकि इस बात की अभी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से बात नहीं बनने पर नीतीश कुमार ये विकल्प अपना सकते हैं। हालांकि बीते शुक्रवार नीतीश कुमार ने पटना में झारखंड के प्रदेश नेताओं को बुलाकर विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने पार्टी को विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठन की मजबूती को लेकर तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए। हालांकि इस मामले पर संशय के बादल अभी भी हैं। वहीं अगर शुक्रवार को ही मीटिंग की बात करें तो जेडीयू सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को पटना में जो बैठक हुई है उसमें ये तय हुआ है कि नीतीश कुमार की पार्टी पहले बीजेपी से बात करेगी। जेडीयू की कोशिश एनडीए में ही रहकर पार्टी का विस्तार करना है। गौर करने वाली बात है कि झारखंड में एनडीए की तरफ से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं अगर जेडीयू की बात बीजेपी से नहीं बनती है तो पार्टी ने प्लान बी भी तैयार किया है। पार्टी झारखंड में सरयू राय की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है और अगर ऐसा होता है तो उसकी सीटों में कुछ इजाफा भी हो सकता है। बहरहाल अब आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।